यस हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी फॉर्मुलेज यूज हो रहे हैं क्लास नाइन साइंस में और टर्म टू एग्जाम के लिए ठीक है तो एक एक करके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं चैप्टर ले रहा हूं यहां पर चैप्टर नंबर टेन चैप्टर नंबर टेन जैसे कि आपको पता है चैप्टर है ग्रेविटेशन तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और ये फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू डिडेड बाई डी स्क्वायर अब यहां पे m1 होता है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m2 होता है मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है स्मॉल डी और इससे हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्कोयर ये सेकेंड फॉर्मूला है यहां पर इसमें आपका जो m की वैल्यू है ये हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ और आर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के पास है सेंटर के तो यहां पर ये जो मास ऑफ कैपिटल एम है ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा और आर हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होता है ठीक है इसके बाद हम आते हैं थर्ड फॉर्मूला पे थर्ड फॉर्मूला यहां पे है इक्वेशंस ऑफ मोशन अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या होता है जैसे मोशन की इक्वेशंस थी उसमें एक्सेलरेशन को जी से रिप्लेस कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे की होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो यहां पर इस चैप्टर में क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू यू प्लस ब्रैकेट में एक्सेलेशन की जगह पे g आ जाएगा और साथ में t आ जाएगा फिर साथ में होता है जैसे कि सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी तो यहां पे कैसे हो जाएगा ये यहां पे हमारे पास हो जाएगा s की जगह पे हाइट हो जाएगी h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी और फिर थर्ड इक्वेशन क्या होती थी मोशन की वी स्क्वायर माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू एच तो यहां पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगी वी स्क्वे माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू इंटू जी इंटू एच तो आप देख रहे हो ये इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड और थर्ड हम ये यूज करेंगे यहां पर इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है यानी फ्रीली फॉल हो रहा है तो उस केस में जी की वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे जी की वैल्यू कितनी होती है नाइन पॉइंट एट तो हम पॉजिटिव मिलेंगे और अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया यानी इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स तो उस केस में क्या हो जाएगा उस केस में जी की वैल्यू हम माइनस लेंगे नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इस तरह हम यहां पर इन फॉर्मलेस का यूज करेंगे इसके बाद जो इस चैप्टर में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो है आपका वेट निकालने के लिए सो so, वेट का फॉर्मुला होता है W इज इक्वल टू एमजी ठीक है ये फॉर्मूला यहां पर यूज रहेगा और यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि जी की वैल्यू बिकॉज वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है तो जी की वैल्यू यहां पर हम पॉजिटिव लेंगे और वेट का जो ऐसा ही यूनिट है हमारे पास वो क्या आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा ठीक है आई होप ये फॉर्मुलेज आपको क्लियर हो गए और इसके बाद हम चलते हैं क्योंकि इतना ही हमारे कोर्स में आ रहा है टर्म टू में तो हम यहां पे चलते हैं वर्क एनर्जी में नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर इलेवन दैट इज वर्क एनर्जी अब चैप्टर नंबर इलेवन में हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उसको हम यहां पर लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू में एस यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट ठीक है यहां पे फिर पॉजिटिव वर्क भी आ सकता है और नेगेटिव वर्क भी आ सकता है इसके बाद आते हैं एनर्जी के फॉर्मलेस पे तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर यहां पे एक रिलेशन और भी होता है वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में So, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी वर्क डन जो हम कर रहे हैं उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर सकते हैं इस फॉर्मुले का यूज करके उसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मुला होता है डेट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा एम इन टू जी इन एच ये फॉर्मुला अप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एमजीएच ठीक है तो ये फॉर्मुलेस का हम यूज करेंगे यहां पर और उसके बाद आते हैं हम रेट ऑफ डूइंग वर्क पे रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर तो पावर के फॉर्मुलेस देख लेते हैं यहां पर और आपको एक बात और बता दूं कि एनर्जी कोई भी हो उसका जो एसआई SI यूनिट होगा वो क्या होगा एसआई यूनिट विल बी जूल फिर आते हैं पावर पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क तो इसके लिए जो फॉर्मुला हमारे पास हो जाएगा यहां पे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है और इसका जो ऐसा यूनिट है पावर का जो ऐसा यूनिट है वो किस में आ जाएगा वॉट में आ जाएगा पावर का एक फॉर्मुला हम और यूज करते हैं तो उस फॉर्मले को भी मैं यहां पर लिख देता हूं ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन में टाइम तो एक स्टेयर केस वाला एग्जाम्पल है एनसीआरटी में उसको जरूर करना उसमें ये वाला फॉर्मुला लगेगा यानी एग्जाम्पल नंबर इलेवन पॉइंट सेवन मैं लिख देता हूं यहां पर दो एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर इलेवन पॉइंट सेवन और एग्जाम्पल नंबर इलेवन पॉइंट एट यहां पर आपका ये फॉर्मुला यूज होगा दैट इज पावर इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन टाइम फिर एक फॉर्मला आता है यहां पर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी तो उस केस में हम यहां पर यूज करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इसके लिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहां पे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम ये फॉर्मूला यहां पर यूज होता है इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि पावर का जो ऐसा यूनिट है वो किलो पावर को आपने किलोवाट में रखना है टाइम को आपने आर में रखना है तो आपका जो भी आंसर आएगा यहां पर एनर्जी का जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा किलो वॉट आर में ठीक है इस बात को आपको ध्यान रखना है प्लस एक चीज और यहां पे ध्यान रखनी है कि जितने किलो वॉट आर होता है यानी वन किलो वॉट आर इज इक्वल टू वन यूनिट जितना आपका किलो वॉट आर होता है उतने ही आपके यूनिट्स होंगे लेट से आपने इस फॉर्मले का यूज करके निकाल लिया ट्वेंटी किलो वॉट आर तो आपके यूनिट्स भी कितने हो जाएंगे ट्वेंटी यूनिट्स हो जाएंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट यहां पर एक रिलेशन होता है अगर मुझे कमर्शियल यूनिट को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लो वन किलो वॉट आर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इन टेन की पावर सिक्स जूल ये एक रिलेशन है आपको एग्जाम में आ सकता है लेट से आपको ट्वेंटी किलो वॉट एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्वेंटी किलो वॉट आर और उसको यहां पे कन्वर्ट करना है जूल्स में तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर सिक्स तो आपका जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा जूल्स में आ जाएगा ठीक है तो ये थे आपके पास वर्क के फॉर्मूले अब आते हैं एक चैप्टर क्योंकि वाई डू वी फॉल में तो थ्योरी क्वेश्चन है उसमें आपका आएगा नहीं तो फिर आते हैं चैप्टर नंबर थर्ड पे डेट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें यहां पर चैप्टर नंबर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यहां पर बहुत ही कम फॉर्मलेज है एक आपको ध्यान रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप क्या ध्यान रखोगे कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट का जो भी टोटल मास होता है वो इक्वल हो जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के ये हमें प्रूफ करना आ सकता है तो हम इसका यूज करके प्रूफ कर सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट उसके बाद यहां पे आता है मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं तो फोर्टींथ आपका आ जाएगा हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिकुलर मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता बट हम एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लेट से मुझे एच टू ओ का निकालना है मोलिकुलर मास तो क्या हो जाएगा जितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे टू इन टू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस अब और किसका है ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक मास प्लस कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक यहां पे एक आता है एटॉमिसिटी निकालने का हाउ टू कैलकुलेट एटोमिसिटी तो एटोमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल जैसे मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है एक सी ए सी ओ थ्री तो इसमें काउंट कर लो कैल्शियम का एक एटम है कार्बन का एक एटम है कितने हो गए दो और तीन एटम है ऑक्सीजन के तो आंसर कितना हो गया फाइव नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है जैसे मेरे पास यहां पे दिया हुआ है एच टू तो यहां पे टू हो जाएगा ओ थ्री तो यहां पे थ्री हो जाएगा इस तरह हम निकालते हैं एटोमिसिटी उसके बाद यहां पे जो कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है वो आपके पास आएगा मोल कंसेप्ट तो मोल कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और मोल कंसेप्ट के कुछ फॉर्मलेज हैं उसे देख लेते हैं मोल कंसेप्ट इसमें कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं तो इसको लिखते हैं यहां पर सिक्सटींथ मोल कंसेप्ट में फर्स्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का नंबर ऑफ मोल एन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ये फॉर्मूला है यहां पे तो इसमें यहां पर जो ऊपर एम दिया हुआ है ये गिवन मास होता है यानी क्वेश्चन में गिवन होगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट मोलर मास मोलर मास हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं यानी एक मोल का मास कितना होता है उसी तरह एक और फॉर्मूला होता है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वो एन हो जाएगा कैपिटल एन बाय एन नॉट ये फॉर्मूला होता है यहां पर इसमें जो आपके पास कैपिटल एन होता है दिस इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी पार्टिकल्स क्वेश्चन में गिवन होंगे यहां हमें निकालने होंगे और एन नॉट होता है यहां पर एवोगैड्रो पार्टिकल्स एवे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है डेट इज 6.022 पॉइंट जीरो टू टू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री ठीक है ये दो फॉर्मूले हो गए यहां पे और अगर इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन कर दें तो नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट फार्मूला आ जाएगा यहां पर वो हो जाएगा स्मॉल एम कैपिटल एम इज इक्वल टू एन एन नॉट अब कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि ये फॉर्मुले यूज कब करने हैं तो थर्ड फॉर्मुले में एक सिंपल से ट्रिक है वेन नंबर ऑफ मोल इज नॉट गिवन आप कहीं भी लिख लो साथ साथ हम लिख सकते हैं वेन नंबर ऑफ मोल इज नॉट गिवन जब नंबर ऑफ मोल की वैल्यू नहीं दी होती तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे देन यूज दिस फॉर्मूला उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां से हम कैपिटल यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कैपिटल एन की वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे कि कैपिटल एन कितना हो जाएगा स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इन टू मे एन नॉट यानी अगर हमें पार्टिकल्स निकालने को आएगा तो ये फॉर्मला यूज कर सकते हैं और यहां से हम स्मॉल एम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और वो कितनी आएगी जैसे कि स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय एन नॉट इन टू मे कैपिटल एम ये हम यहां पर निकाल सकते हैं तो यहां से हम मास की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और पार्टिकल्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और ये फॉर्मुला कब यूज करना है वेन नंबर ऑफ मॉल इज नॉट गिवन जब मोल्स की बात नहीं हो रही तो उस केस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो आपका आ रहा है डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पहले तो मॉडल्स दिए हुए हैं यहां पर तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें यहां पर तो एक क्वेश्चन जो मोस्टली आता है एग्जाम में वो यहां पर ऐसे होता है कि आपको एक सिंबल दिया होगा जैसे कार्बन और नीचे लिखा होगा सिक्स और ऊपर लिखा होगा ट्वेल्व तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है प्रोटॉन्स के भी और इलेक्ट्रॉन्स के भी और जो ऊपर वाला नंबर है ये इक्वल होता है मास नंबर के तो मास नंबर का ना एक फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए आपको मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा और किसके इक्वल होगा ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है यहां पे ठीक है उसके अलावा आपको यहां पर एक जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपको आएगा आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए तो हम अपने लास्ट फॉर्मूले की तरफ आ गए हैं हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास कि एवरेज एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करें अब जैसे मान लो मुझे क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का सेवनटीन थर्टी फाइव आइसोटोप होता है और दूसरा होता है क्लोरीन का सेवनटीन और थर्टी सेवन और परसेंटेज दी होनी चाहिए इसकी परसेंटेज दी है लेट से इसकी परसेंटेज दी हुई है सेवेंटी फाइव परसेंट और लेट से यहां पे जो परसेंट है वो है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का मैं आपको मैथड बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे सो वी कैन कैलकुलेट एवरेज एटोमिक मास हमें मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज को सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड इन हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से डेट इज 35 और इसको सॉल्व कर लेंगे प्लस दूसरे का कितना है दूसरे का 25 है तो यहां पर हो जाएगा 25 फाइव बाय हंड्रेड इंटू इसका एटॉमिक मास कितना है 37 सेवन यहां लिख देंगे 37 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास डेट इज थर्टी और साथ में आ जाएगा यूनिट तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये सारे फॉर्मुलेस का यूज करके आप बहुत ही एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो अपने नाइन्थ क्लास के टर्म टू के फाइनल एग्जाम में मेरे आपसे बस एक रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी है कुछ आपको हेल्प लगी है इससे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना थैंक यू